तो हेलो एंड वेलकम अगेन दोस्तों। भाई साहब, सालार की हालत दिन पे दिन बेकार होते जा रही है और मैं कहूँगा खत्म सी होते जा रही है, क्योंकि भाई जो ग्रोथ थर्सडे को हमें 14 करोड़ के आसपास देखने को मिल रही थी, वो 4 करोड़ और डाउन हो चुकी है फ्राइडे पर। जबकि फ्राइडे पर एक ऐसा दिन है जो इवनिंग और नाइट के टाइम पर हमें कलेक्शन या फिर ग्रोथ हाई नज़र आती है, ग्रोथ चढ़ती नज़र आती है। लेकिन भाई साहब, इसकी ग्रोथ जो सालार की ग्रोथ है, जिसने ब्लॉकबस्टर ओपनिंग ली थी भाई, 170-175 करोड़ की ओपनिंग लेना कोई भी मामूली बात नहीं है। देन उसके बाद उसमें नाम प्रभास जुड़ा होना, भाई साहब जिसने बाहुबली से वो नाम कमाया है, आदि पुरुष जैसी बेकार मूवी है उससे भी जबरदस्त कलेक्शन किया है भाई, सालार के लिए वेट था। लेकिन जो कलेक्शन, जो ग्रोथ रोज गिरते नजर आ रही भाई, बहुत बड़ा डाउनफॉल देखते नजर आ रहे हैं। अभी आज सैटरडे है, सैटरडेज पे हमेशा भाई साहब ग्रोथ ऊपर चढ़ती है, लेकिन भाई इसकी ग्रोथ हमें उतनी चढ़ती नजर नहीं आ रही, 1-2 करोड़ का फर्क देखने को मिल रहा है। तो भाई यानी क्या हो गया, डाई हार्ट फैन को प्रभास के, जो अभी तक लड़ रहे थे इसके लिए कि भाई बॉक्स ऑफिस क्लैश का ये जो सीन चल रहा है, जो स्कैम के लिए इसको टारगेट करा जा रहा है, वो नहीं है। लेकिन वो अब यानी कहाँ शांत पड़ गए, कहाँ ठंडे पड़ गए, क्योंकि भाई साहब डंकी को जो एक बार के लिए ये मूवी ओवरटेक कर रही थी, जो डंकी के लिए पूरी खतरा साबित हो रही थी, अब डंकी इसके लिए एक बार के लिए खतरा साबित होते नजर आ रही है इन द डोमेस्टिक रीजन। एंड भाई वर्ल्ड वाइड में, ओवरसीज में तो एक्वामैन एंड द लॉस्ट किंगडम चली रही है, जो सिर्फ इसी के लिए नहीं, डंकी के लिए भी खतरा चल रही है। तो भाई ओवरसीज से दोनों मूवी को उतना कलेक्शन नहीं देखने को मिल रहा है, लेकिन डोमेस्टिक रीजन पर भाई एक बार के लिए सालार फाड़ रही थी, हिंदी ऑडियंस का जो इंटरेस्ट अपनी तरफ खींच रही थी, अब वो इंटरेस्ट दोबारा से डंकी की तरफ जाते नजर आ रहा है। ये मैं नहीं कह रहा, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की रिपोर्ट कह रही है। भाई एक एक करके सभी चीज़ों को कवर अप करेंगे, कल कैसा क्या डे रहा है, क्योंकि आज ये डे 9 पर एंट्री मार चुकी है और सैटरडे का सभी का इंतजार रहता है, क्योंकि हॉलीडेज में भाई फेवरेट स्टार की मूवी, जो भी आपके फेवरेट स्टार हैं, अगर आप वेट करते हो तो सैटरडे संडे पर ये ग्रोथ ह्यूजली आगे बढ़ती है। लेकिन यहाँ वो हिसाब देखने को नहीं मिल रहा है जैसा स्टार्टिंग करी थी, जैसी ओपनिंग करी थी। क्या करना है, वीडियो को एक लाइक नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। तो चलिए शुरू करते हैं भाई साहब, कल डे 8 की बात करते हैं, डे 8 को स्कैन करते हैं, मॉर्निंग टू नाइट तक क्या ही कलेक्शन रहा है। नेट इंडिया से भाई ऑल लैंग्वेज मिलाकर लगभग 10 करोड़ का कलेक्शन इस मूवी के खाते हुए नजर आया है, जो परसों 14 या 15 करोड़ के आसपास था। भाई साहब 4 करोड़ का डाउनफॉल आया है सीधा, जबकि फ्राइडे पर डाउनफॉल नहीं आता है, फ्राइडे पर मामला इंक्रीज होते नजर आता है। लेकिन आई डोंट नो क्या चल रही है कहानी। ग्रॉस इंडियन कलेक्शन 13 करोड़, ओवरसीज से 9 करोड़, और पूरी दुनिया से ये मूवी कल एंड ऑफ द डे तक 22 करोड़ के आसपास अपने खाते में रखते नजर आ रही है। जो भाई साहब देखा जाए तो ये जो इनकम दिख रही है सिंगल डे वर्ल्ड वाइड कलेक्शन, भाई साहब ये डंकी के पास है, क्योंकि डंकी इसी 20 करोड़, 22 करोड़, 25 करोड़ इसी के आसपास टहलते नजर आ रही, जो एवरेजली ग्रोथ है। और अब सालार इसके आसपास टहलते नजर आ रही, क्योंकि सालार की एवरेजली ग्रोथ अगर मैं कहूँ तो भाई 55 या 60 करोड़ के आसपास थी एक दिन की, लेकिन भाई बहुत डाउनफॉल आ चुका है। आई डोंट नो ये क्या चल रहा है, इसके पीछे जो स्कैम वाली बातें चल रही हैं कितनी सच है कितनी नहीं है, क्योंकि भाई साहब देखा जाए तो सालार के मेकर्स बिल्कुल सेलिब्रेट नहीं कर रहे हैं, जबकि डंकी के मेकर्स भाई जिन्होंने 1000 करोड़, शाहरुख खान की अगर मैं बात करूं, जिन्होंने 2000 करोड़ की मूवी दी है, और अभी 10 दिन हो गए हैं उस मूवी को, और 300 से 330-335 करोड़ के आसपास कलेक्शन करते नजर आ रही है वर्ल्ड वाइड, वो एक एक मोमेंट को सेलिब्रेट कर रहे हैं और एक एक चीज़ को ऑफिशियली लोगों तक पहुँचा रहे हैं। लेकिन सालार के मेकर्स भाई पहले 6 दिन का आई थिंक 500 करोड़ के आसपास इन्होंने कलेक्शन दिखाया, लेकिन कल उसके बाद कोई उनका ऑफिशियल, उनकी तरफ से कोई सेलिब्रेशन रिपोर्ट नहीं आई। तो भाई बहुत फ्लेक्सिबिलिटी है सालार के लिए, बहुत फ्लेक्सिबिलिटी, बहुत ज़्यादा अंतर देखने को मिला है, क्योंकि वहीं जो बॉक्स ऑफिस टेक्निक की बात करूँ तो भाई बहुत 60-70 करोड़ का पूरा अंतर देखने को मिल रहा है, और मेकर्स की तरफ से जो आ रहा है वो अलग है। खैर अपने को क्या, वो तो कमाई कर रहे हैं और हम अपना काम करते हैं। पहले 8 दिन में कल एंड ऑफ द डे तक नेट इंडिया से ये मूवी 318-23 लाख के आसपास कलेक्शन कर चुकी है, जो ग्रॉस इंडियन कलेक्शन लगभग 376-350 लाख आ रहा है। एंड ओवरसीज से 172 करोड़, पूरी दुनिया से ये मूवी कल एंड ऑफ द डे तक 547 करोड़ का ह्यूज एंड मार्वलस आंकड़ा अपने खाते में लेते नजर आ रही है। लेकिन अकॉर्डिंग टू बॉक्स ऑफिस टेक्निक के हिसाब से बताऊं तो 468.50 करोड़ का कलेक्शन कल एंड ऑफ द डे तक ये मूवी वहां टच करते नजर आ रही है। वैसे बहुत अंतर है, लगभग 80-85 करोड़ का अंतर है इन दोनों के बीच में। क्या सही है क्या नहीं सही है, जो आपको सही लगता है, मैंने दोनों रिपोर्ट बता दी जो मेकर्स की तरफ से चल रही हैं।
एंड जो सेक्निक की तरफ से चल रही है, जिनका काम ही यही है एक एक चीज को कवर करना है। कि बात करें आज डे नाइन की, तो भाई आज डे नाइन कैसा है, सैटरडे में क्या तबाही देखने को मिल रही है। यस, थोड़ा सा उछाल देखने को मिल रहा है, बुकिंग लगभग में लगभग 3.55 करोड़ की हुई है, जिसमें से मेजर बुकिंग 1.74 करोड़ के आसपास सिर्फ हिंदी से हुई है, और तेलुगु से भी 1 करोड़ के आसपास ही बुकिंग हुई है, एंड रेस्ट ऑफ द बुकिंग मलयालम, कन्नड़ा एंड तमिल लैंग्वेज से हुई है, एंड आईमैक्स के शोज भी कहीं ना कहीं चल रहे हैं वहाँ से भी हुई है। तो बुकिंग देखा जाए तो ठीक ठाक है, एवरेजली ग्रोथ चल रही है। नेट इंडिया से आज एंड ऑफ द डे तक, भाई मुद्दे की बात पर आते हैं, कितना कलेक्शन कर लिया, 14 करोड़ के आसपास है मूवी आज एंड ऑफ द डे तक सैटरडे पर कलेक्शन करते नजर आ रही है, जो मिनिमम स्केल पर बहुत छोटा आंकड़ा लेकर सेट हुआ है। क्योंकि अगर ये ऑफिशियली रिपोर्ट आती भी है तो भाई साहब 14 करोड़ से ऊपर ही जाएगा, लगभग में लगभग 16 करोड़ या 17 करोड़ भी टच कर जाए, लेकिन अर्ली एस्टिमेट क्या है 14 करोड़ के आसपास आज एंड ऑफ द डे तक। देन ग्रॉस इंडियन कलेक्शन की बात करें तो 17.5 करोड़ एंड पूरी दुनिया से आज एंड ऑफ द डे तक ये मूवी 29 से 30 करोड़ या फिर 31 करोड़ के आसपास स्टैंड करते नजर आ रही है, एग्जिस्ट करते नजर आ रही है, जो देखा जाए तो ठीक ठाक ग्रोथ है, इतनी ज्यादा तबाही भी नहीं कहेंगे। क्योंकि भाई साहब पहले 9 दिन में आज एंड ऑफ द डे तक ये मूवी 577 करोड़ के आसपास अपने खाते में लेते नजर आ रही है वर्ल्ड वाइड क्रॉस कलेक्शन से। तो लाइफ टाइम कलेक्शन कितना करेगी भाई साहब, मैं अभी भी मान के चल रहा हूँ 700 से 800 करोड़ की आसपास ये मूवी टच कर जाएगी। बाकी आप लोगों का कहना है कि ये मूवी अभी भी 1000 करोड़ टच कर जाएगी नहीं कर जाएगी, बाकी जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जो स्कैम की बातें चल रही वो कितनी सच है कितनी नहीं है, क्योंकि सभी लोग अपनी थ्योरी अपनी अजम्पशन अपने प्रिडिक्शन सेट करके बोल रहे हैं, जो कहीं ना कहीं सिर्फ बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की रिपोर्ट के हिसाब से बोल रहे हैं। भाई इसके पीछे कितना सच है कितना नहीं है वो किसी को इतना तो नहीं पता है। तो आप लोगों को क्या लगता है कि यह मूवी सच में स्कैम चल रहा है या नहीं चल रहा है, वो आप लोग बताएंगे नीचे कमेंट बॉक्स पर। मिलते हैं अगले वीडियो में, जय हिंद।